नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। 2019 के दिसंबर में केंद्र सरकार ने जब नागरिकता कानून में कुछ बदलाव किए और साथ ही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि NRC की मांग भी उठी, तो उसी समय हम सभी ने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई इलाकों को हिंसा में बदल दिया, केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ के करके सभी की सच्चाई सभी के सामने आ ही जाती है। वैसी ही कुछ अब CA NRC के नाम पर हिंसा करने वाले लोगों की जमात का भी हो रहा है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से आए जिन लोगों को बचाना चाहते थे, अब उनको एक एक करके देश की सुरक्षा एजेंसियां खोज खोज कर निकाल रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 बांग्लादेशी पिछले करीब 25 सालों से अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहे थे, उन्हें अब UP ATS की टीम ने खोज निकाला है। ATS का गठन ही UP में आतंकी साये के खात्मे के लिए किया गया है और हाल ही में इस टीम ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर कई घुसपैठियों को पकड़ने में कामयाबी भी पाई है। और अब की बारी UP ATS की लखनऊ टीम ने सहारनपुर में छापेमारी की। इस दौरान साल 1995 से मंडी थाना इलाके के नदीम कॉलोनी में रह रहे 2 बांग्लादेशियों जिनका नाम तनवीर और मोहम्मद उस्मानी है को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों बांग्लादेशियों को लेकर ATS की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर मौके से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों बांग्लादेशी आपस में पिता पुत्र हैं। UP ATS के मुताबिक ये दोनों 1995 से अपनी पहचान छिपाकर सहारनपुर में रह रहे थे। पकड़े गए दोनों बाप बेटे को लेकर ATS टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई है, जहां इन दोनों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई और पूछताछ की जाएगी, ताकि ये सच्चाई सबके सामने आ सके कि क्यों ये लोग इतने सालों से भारत में घुसपैठ करके आए और यहां अपना नाम बदल कर रह रहे थे। बता दें कि इससे पहले गिरफ्तार हुए बांग्लादेश के निवासी इकबाल और फारूक सहारनपुर में ही फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाकर रह रहे थे, जिन पर आरोप लगा कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें मंगलवार को ATS की टीम ने आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध पाकर अपने कब्जे में लेकर लखनऊ कोर्ट में पेश किया था। अब ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि ये आतंकवादी हैं या फिर नहीं, लेकिन इतना तो जरूर ही साफ हो गया है कि ये घुसपैठिए हैं जिनको जिनके देश में वापस भेजना बहुत जरूरी है और इसके लिए CA के साथ NRC को भी लागू होना ही होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अब हर एक खबर को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करें VK News UP। धन्यवाद।